एवरीवन, सुबह की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ढाबा स्टाइल काजू करी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ये फटाफट से बन भी जाती है। अगर आप पार्टी के लिए बना रहे हैं या फिर कोई मेहमान आ गए हैं घर में, तो आप इसे फटाफट से बना सकते हैं। घर में सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। आप इसे सफ़र में भी लेके जा सकते हैं और ख़ास कर ये बच्चे लोग को तो बहुत ही पसंद आएगी। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। क्रीमी और मज़ेदार काजू करी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके फ्राई पैन चढ़ाएँगे और पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 कप काजू डालेंगे। अगर आपके पास टूटे हुए काजू भी है तो उससे भी आप इसे बना सकते हैं। तो काजू को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे घी में, और जब तक इसमें से अच्छे से खुशबू नहीं आने लगे और इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं कि काजू है वो अच्छे से हमारे भून चुके हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, सारे काजू को हमने निकाल लिया है। अब उसी पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं, आपको जो पसंद है। मैंने ऑयल को डाल दिया है और उसके बाद इसमें हम कुछ फोरन डालेंगे। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था। अब इसमें हम 1 इंच अदरक के टुकड़े डालेंगे। साथ ही साथ 6 से 8 हमने लहसुन की कलियाँ डाला है। थोड़े से दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची डालेंगे और 8 से 10 हम काली मिर्च साबुत डालेंगे और अच्छे से इसे हम भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लहसुन का जो कच्चापन है वो भी दूर हो गया है और अदरक भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसी स्टेज पर इसमें प्याज डालेंगे। तो मैंने 3 बड़े साइज के प्याज लिए हैं और उसे हमने थोड़े मोटे मोटे पीसेस में ही कट कर लिया था। तो अब हम प्याज को डाल करके अच्छे से उसे फ्राई कर लेंगे। तो हमें प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 50% ही इसे हमें सॉटी होने तक भून लेना है। तो उलटते पलटते हुए हमें प्याज को 2 मिनट हो चुके थे। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो 1 बड़े साइज के टमाटर थे, उसे हमने मोटे मोटे पीसेस में देखिए इस तरह से कट कर लिया है। और अब हम टमाटर को भी प्याज के साथ ही भून लेंगे। तो टमाटर और प्याज को हम साथ ही साथ भूनेंगे और इसमें थोड़े से हम नमक डालेंगे ताकि टमाटर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमने नमक भी डाल दिया है, करीब 1/2 चम्मच, और उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर प्याज को हम करीब 2 से 3 मिनट तक ढक देंगे। इससे क्या होगा कि जो टमाटर प्याज है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट तक हमने इसे कवर कर दिया था, तो हमारे जो प्याज और टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि अच्छे से ठंडे हो जाए। तो यहाँ हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से देखिए ठंडे हो चुके थे। तो अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें हम प्याज और टमाटर को सारे डाल देंगे और उसके बाद इसमें हम 12 से 13 काजू को भी डाल देंगे जो हमने पहले ही फ्राई किया था, और उसे भी साथ साथ भून लेंगे। तो हमें इसे पेस्ट को बिना पानी के ही पीसना है। देख सकते हैं कि जो हमारे पेस्ट है वो बिल्कुल स्मूथ पीस चुके हैं। तो इसी तरह से हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इसे हम एक साइड करते हैं और चलते हैं अगले प्रोसेस पर। अब हमने फिर से वही फ्राई पैन चढ़ाया है गैस ऑन करके, और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। तो सारे सूखे मसाले हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे जो हमने काजू टमाटर और प्याज का बनाया है, और उसे भी हम साथ साथ भून लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने प्याज टमाटर और काजू के जो पेस्ट है उसे भी डाल दिया है अच्छे से, उसे भी अच्छे से भून लिया है साथ ही साथ। और थोड़े से मिक्सी के जार में अगर मसाले बच जाते हैं तो उसे भी आप पानी डाल करके अच्छे से धो के इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करके और 2 से 3 मिनट तक भून लिया है, और उसके बाद इसमें हम फ्रेश मलाई डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर अमूल की फ्रेश मलाई ली है। अगर आपके पास अमूल की फ्रेश मलाई नहीं है तो आप इसमें घर के जो दूध वाली छाली पड़ती है मलाई, उसे भी मिक्स कर सकते हैं। तो मलाई डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़े से कसूरी मेथी डालेंगे और साथ ही साथ गरम मसाला डालेंगे, और
एक चम्मच हमने नमक डाला है, नमक हमने पहले भी डाला था इसलिए हम नमक इसमें थोड़ा सा कम ही डालेंगे। और आधा चम्मच हमने पिसी हुई चीनी का यूज किया है ताकि जो इस मसाले का टेस्ट है वो बैलेंस बना रहे। तो सारे मसाले और नमक हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे बॉईल होने तक इंतज़ार करेंगे जब तक कि मसाले में अच्छे से बॉईल नहीं आ जाते हैं, और इसे हम धीमी आंच पर ही कवर करके कुक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि मसाले में अच्छे से बॉईल आ गए हैं, और इसे हमने बीच बीच में कवर भी किया था ताकि मसाले अच्छे से भून भी जाए। और इसे हम लगातार चलाते भी रहे हैं, 2 से 3 मिनट पर इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। तो मसाले हमारे अच्छे से भून चुके थे, इसमें अच्छे से बॉईल भी आ गए हैं। तो अब हम इसमें काजू डाल देंगे, और काजू डाल करके हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, काजू को हमें थोड़ा सा क्रंची ही रखना है। तो 5 मिनट तक हम इसे कवर करके फिर से कुक करेंगे। तो काजू डाल करके हमने इसे कवर कर लिया था 5 मिनट के लिए, और देख सकते हैं कि हमारे जो ग्रेवी है वो अच्छे से टेक्सचर आ गया है, और हमारी सब्जी भी बन करके तैयार है सर्व करने के लिए। लेकिन इससे पहले हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे बारीक कटा हुआ, और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो धनिया पत्ती भी हमने डाल दी है, उसके बाद इसे हम 1 से 2 मिनट तक फिर से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए 1 मिनट तक इसे फिर से कवर कर दिया था, और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और सब्जी को हम सर्व कर लेंगे एक बाउल में। हमने सब्जी को एक बाउल में सर्व किया है, और ऊपर से थोड़े से हम काजू को इस तरह से सजा देंगे। देखिए यहाँ इस तरह से हमने डेकोरेट कर दिया है काजू से, तो कितने यम्मी और डिलीशियस लग रहे हैं काजू करे, और स्वाद भी बिल्कुल रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल आया था। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार मेरे तरीके से, और आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए, बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.